आपकी no. कन्हैया और उमर खालिद की दोस्ती थी नहीं क्योंकि का मतलब मतलब कन्हैया ने जो है हमारे प्रेजिडेंशल कैंडिडेट को हराया सो यू कैन अंडरस्टैंड वी वर इन अपोजिट पैनल्स सो वी वन अगेंस्ट वन अदर्स पैनल Uh, उमर तो वो तो उसमें नहीं थे वो तो इलेक्ट्रल उसमें नहीं थे uh, लेकिन उनके साथ हमारी मेरी बहुत सारी uh, लड़ाइयाँ हुई है ऑल पार्टी मीटिंग्स में अच्छा? uh, मतलब नॉट लड़ाई एज इन आर्ग्यूमेंट्स ऑन इश्यूज on campus related issues on admission policy issues uh, we have had disagreements uh, we have so <laughs> aisa kuch nahi hai ki you know ye aap matlab jnu is also an enigma so to jaise kanaiya ko log kai bar so basically they have this big echo chamber theek hai usme there are multiple people and they have their own sub echo chambers but they are collectively part of that bigger echo chamber

आपको मतलब नून नुक्ते का फर्क जो है उस पर जो है लड़ाइयाँ हो जाती हैं ऑल पार्टी मीटिंग्स में कि आपने जो है एलजीबीटी राइट्स पे ये स्टैंड क्यों लिया ये स्टैंड क्यों नहीं लिया एक टर्म के उस पर पे पे ऐसा नहीं है वी वर ऑल इन डिफरेंट लेफ्ट ग्रुप्स विद ऑल आर यू नो डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड वी वीज टू हैव अ लॉट ऑफ आइडियोलॉजिकल तो अब क्या होता है मीडिया में कैसे चीज़ें पूछ रहे होती Actually, है वो ठीक है एंड इट विल बी अ लिटिल हार्ड टू डाइजेस्ट द ट्रूथ इज लेफ्ट की जो आइडियोलॉजी है इट इज बेस्ड ऑन अ सिंपल फैक्ट कि वी जस्ट वांट टू हैव डिसएग्रीमेंट्स ठीक है तो व्हेन देयर इज समवन हु इज फ्रॉम द राइट तो लेफ्ट वाले सब इकट्ठे हो जाएंगे एंड दे विल अपोज दैट पर्सन फ्रॉम द राइट ठीक है बिकॉज नॉट बिकॉज दे डिसएग्री विद द पर्सन ऑन द राइट जस्ट बट बिकॉज दे जस्ट वांट टू हैव अ डिसएग्रीमेंट दैट्स ऑल Even if there is nothing to fight about, they want to have a disagreement. And I'll, I'll come to that later. as uh, Let's say the person from the right is eliminated. Then these people within the left will have disagreements amongst each other. Or As long as, even if they get the, uh, the the separate groups in the left keep on getting elim eliminated one by one. But still there will be disagreement. Okay. And now, now coming to why that is so, first, because of what is written in the Communist Manifesto, that uh, left has problem with, uh, left is, will be opposing the political systems everywhere all the time. Okay? And now, why was that written? Because there is basis of everything in psychology, okay? in human psychology. We have this inherent need to be different. ठीक है हम चाहते हैं कि हमारा कुछ ना कुछ हम सबसे बेटर हो ठीक है और ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स दिस नीड अराइज इन पीपल हु आर मोर इंटेलिजेंट देन द रेस्ट ठीक है तभी उनको ही, उनको ये चीज़ रियलाइज होती है द पीपल हु आर नॉट दैट इंटेलिजेंट और हु आर नॉट ओवर थिंकिंग थिंग्स दैट मच दे जस्ट दे आर हैप्पी टू लिव देयर लाइफ एंड दैट इज़ व्हाई इट इज सेड दैट इग्नोरेंस इज ब्लेस बट द पीपल हु आर इंटेलिजेंट दे टेंड टू have this inherent need to be different than everyone else, so they keep on finding issues to have disagreements about. तो यही सब यही reason है, that is the whole reason. it is not about issues, it is not about any political thing, okay? at the end of the day, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ को लेकर के सब अपने अपने घर चले जाएंगे. मतलब फर्क पड़ सकता है, if things go to very extreme. but these are college kids, college campus में लड़ाइयाँ किस बात के लिए हो रही हैं?

कन्हैया उमर जब इनको अरेस्ट किया गया था देर वॉज अ सेक्शन इन द कैम्पस विच वॉज सेम कि नहीं आप सिर्फ़ कन्हैया के लिए बोलिए क्योंकि कन्हैया इलेक्टेड जेन यू एस यू प्रेजिडेंट है आप सिर्फ उनके लिए बोलिए बट आई एम वेरी हैप्पी कि उस मूवमेंट की जो लीडरशिप uh, है वो मेरे हाथ में थी बिकॉज आई इन्श्योर एंड आई पर्सनली एंश्योर मैं मैंने टीचर्स एसोसिएशन से झगड़ा किया इस चीज़ पर कि नहीं हम लोग बात करेंगे तो सबकी करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उमर खालिद का नाम ऐसे भी लोग थे जो बोलते थे कि उमर खालिद का नाम आप ना लें आई मेड श्योर आई पर्सनली मेड श्योर कि मूवमेंट तब तक चलता रहेगा जब तक उमर इज़ नॉट रिलीज पहले कन्हैया को रिलीज़ किया गया तो उससे एक डर था कि मूवमेंट फिजल आउट हो जाएगा बट आई मेड श्योर आई पर्सनली मेड श्योर कि मोमेंट का जो है मोमेंटम उतना ही स्ट्रांग रहेगा जब तक कि सारे हमारे स्टूडेंट्स रिलीज़ नहीं होंगे बिकॉज आई एम एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चाहे वो भले ही उम्र मेरे अगेंस्ट हो भले ही कन्हैया मेरे अगेंस्ट हो वैन आई एम एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तब मैं सबको रिप्रेजेंट करती हूँ तब मैं सिर्फ अपने आयसा वालों को नहीं रिप्रेजेंट करती हूँ <laughs> तब मैं हर मैं ए बी वी पी वालों को भी उस वक्त रिप्रजेंट करती <laughs> हूँ नहीं, नहीं और आप तो रिप्रेजेंट करती हूँ वैसे भी चर्चा कई बार ये होती है कि राइट विंग को ये सीखना चाहिए कि लेफ्ट विंग में कुछ हो जाए तो कितनी कट्टर दुश्मनी हो लेकिन सब एक साथ खड़े हो जाते हैं और उसके बाद सपोर्ट करते हैं राइट विंग जैसी जो चीज आजकल होती है लेफ्ट विंग वर्सेज राइट राइट विंग खत्म इन ग्रुप आउट ग्रुप हाँ ये क्या होता है फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए गॉड फॉर बेट चीन ने कोई हमला कर दिया इंडिया पे जैसे 1961 में हुआ तो पूरा मुल्क एक साथ खड़ा हो गया उस टाइम पे फिर वो नहीं रहता कि आप मेल हैं मैं फीमेल हूँ आप हिंदू हैं इट इज़ एन एन इन ग्रुप मतलब इन ग्रुप पॉलिटिक्स जो है वो तभी स्ट्रॉन्ग होती है जब उस टाइम भी लेफ्ट वाले पाना बदल लेंगे ठीक है पारा जब कोई perceived attack होता है। तो आपने जो earlier जो जो पूछा था, <laughs> it ties <back> into that, <laughs> कि ये जो, uh, Muslims को consolidate करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप उनको बोल दो कि आपके ऊपर एक अटैक है अच्छा अभी हाल के दिनों में आपकी कन्हैया की कभी बात भी हुई है उसके बाद? जी जी जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा उस टाइम मैंने उनको अपनी शुभकामनाएं दी तो अभी उन्होंने जनरल इलेक्शन

क्योंकि इधर वाले तो अब आपसे हमें सब कुछ पता है वी नो एवरीथिंग देयर इज टू नो और फिर हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता चाहे वो कितना भी एक्सपीरियंस इंसान क्यों ना हो ठीक है सब खराब थे सब बेकार थे सब बुद्धू थे एक्सेप्ट दीज पीपल और I, I They are so full of overconfidence. They think they know everything. I did not I never had that kind of attitude. I still don't. I still sit and I, I with with my cup empty. I don't know anything. Just tell let me know. But at the same time, I all I know that this attitude gets people nowhere. तो उस एटीट्यूड के साथ बैठ जाना कि हमें सब कुछ पता है और मैं देखता हूँ आजकल बहुत ज़्यादा कॉलेज बच्चों में के है सिर्फ कॉलेज ही स्कूल के बच्चों में भी ठीक है तो इट्स वेरी अनोइंग बिकॉज वन थिंग आई कान टॉलरेट इज एरोगेंस तो ओके द डिफरेंट एरो बट आई एम श्योर यू विल यूज

Uh, नहीं मैंने कई सारी चीज़ें सीखी उधर देखिए मैं इस चीज़ को स्पष्ट कर दूँ कि जे uh, जो है वो एक इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे जो आपको जैसे समाजशास्त्र uh, की मैंने पढ़ाई की वहाँ पे सोशियोलॉजी का सेंटर जो है वो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स इन द वर्ल्ड और इन एशिया वहाँ पे जब आपको पढ़ाया जाता है ना जब आपको समझाया जाता है कि सोसाइटी एक्चुअली कैसे फंक्शन करती है सोशल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं कास्ट क्या होता है तब आपको बहुत एनलाइटनमेंट होती है कि मतलब क्यों है ये जेंडर जेंडर बेस्ड वायलेंस क्यों है आपको बहुत एनलाइटनमेंट होती है और ऐसा नहीं है कि लेफ्टिस्ट का कोई फिर तुम्हारे अंदर के एक सोशल जस्टिस वालियर जग जाता है और फिर वो बोलता है कि मैं सब ठीक कर दूंगा एंड एंड देन यू गो स्टार्ट लुकिंग फॉर और नहीं भी होते तो यू क्रिएट योर ओन और फिर उसके बाद सब शुरू हो जाता है

Uh, आप देखिए आज हमारी कंट्री में uh, जैसे फॉर एग्जांपल जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है राइट right? या हम लोगों ने अनटचेबिलिटी को बैन किया है या एस सी एस टी अट्रॉसिटीज़ एक्ट है दीज आर ऑल मतलब मैं मार्क्सिस्ट नहीं कह रही हूँ दीज आर अ ब्रॉड लेफ्टिस्ट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हुआ टू में उसमें लेफ्टिस्ट फेमिनिस्ट्स का एक बहुत बड़ा हाथ था पहले जो है पहले आप कोई महिला जो है अगर उसके साथ जेंडर बेस्ड वायलेंस हुआ होता टू से पहले मैं बात कर रही हूं, वो थाने में जाती रजिस्टर रजिस्टर नहीं होती थी अब 2013 के बाद आपको करना है 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 तो लेफ्ट 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 का का भी अपना अपना बड़ा है। बस मुझे बड़ा, लेफ्ट हाँ। से एक ही प्रॉब्लम लगती है। लेफ्ट अपना हाँ। फायदा के कब करनी काट हैं है। जैसे मैं आपको एक when she's giving out examples the left contribution she's talking about what left used to be fundamentally and of course in the fundamental sense left did make a very big contribution like the democracy as we know it today is because of the leftist movements take all this liberal democracy all the liberal thoughts these are all result of leftist movements but what left has transformed into and especially in Indian context, that is completely different with the ideological left that was initially there in the French Revolution. तो आज के कॉन्टेक्स्ट में लेफ्ट की हमें प्रॉब्लम है हमें लेफ्ट थॉट्स से प्रॉब्लम नहीं है जो इनिशियली था लेफ्ट मुसलमानों को ये जरूर समझाएगा या उससे जुड़े नेता मैं हाँ। पूरे लेफ्ट को नहीं कह रहा लेकिन उससे जुड़े नेता ये मुसलमानों को जरूर समझाएंगे कि तुम खतरे में हो तुमको दिक्कत हो रही है बै, बै, बै। हाँ। दस चीज़ें हाँ। लेकिन वो आपकी तरह यह नहीं बताएगा कि जिस चाइना की वो पूजा करता है वहां पर उइगर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है हाँ। ये मुझे आपत्तिजनक और परेशान करता है कि अगर आपकी आपकी आइडियोलॉजी इतनी स्ट्रांग है तो फिर उस आइडियोलॉजी पर आपको स्टिक करना पड़ेगा चाहे सामने कोई भी हो चाहे वो चाइना हो चाहे वो कोई और हो या उसी तरीके से अगर आप देख लें कि मतलब अगर आप विचारधारा के हिसाब से ही देखें अब जैसे कन्हैया कुमार है hmm. वो भी लेफ्टिस्ट थे आज वो कांग्रेस अगर विचारधारा के हिसाब से देखें तो जो मुस्लिम ट्रीचिंग करते हैं दे आर नॉट लेफ्ट एट ऑल दे आर राइटिस्ट पीपल सी यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस लेफ्ट इज अ लिबरल आइडिया ऑल द रिलीजियस फंडामेंटलिज्म इज अ राइटिस्ट आइडिया ठीक है सो इन दैट सेंस इफ समन इज टेकिंग अ स्टैंड फॉर रिलीजियस थिंग्स और पीचिंग रिलीजियस फंडामेंटलिज्म दैट्स अ राइटिस्ट आइडिया नॉट अ लेफ्टिस्ट उसके पास चले गए और उन्होंने कांग्रेस को पता नहीं क्या क्या नहीं बोला ये जो मौका परस्त होना ना ये थोड़ा लेफ्ट में ज़्यादा होता है मुझे ऐसा लगता है इसका एक रीज़न है क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी में होते हैं वहाँ पे तो पूरा आपको लेफ़्ट का एक बहुत वाइब्रेंट इकोसिस्टम है लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी से बाहर आते हैं तो देर इज़ अ क्राइसिस आप देखते हैं कि आपकी जो लेफ्टिस्ट विचारधारा है ना वो तो कहीं पर है ही नहीं और पूरा समाज को देखने का ही आपका नज़रिया अलग है आपको फैमिली के साथ जेल करने में प्रॉब्लम हो जाता है जब आप फैमिली में देखते हैं कोई आ, कोई सेक्सिस्ट ट्रेडिशन आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि कोई महिला जो है वो पुरुष के पीछे चल रही है वट एवर यू नो मतलब दुल्हन जो है वो दुल्हे के पीछे चल रही है सम आपको इससे भी प्रॉब्लम हो जाएगा सो <laughs> so, फिर जो है ना समाज में री इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आप इतने एनलाइटेंड होते हैं और मैं ये नहीं कह रही हूँ लेफ्टिस्ट विचारधारा गलत है या कुछ है लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड यू हैव टू वर्क विद द सोसाइटी अब आप आप समझिए सोसाइटी में जो है बहुत सारी चीज़ें फॉर ग्रांटेड ली जाती हैं जिसको सोसाइटी को नई प्रॉब्लम है उन चीज़ों से एनलाइटेड इज़ अ रॉन्ग वर्ड टू यूज हियर आई वुड से लाइक क्या ही बोले प्लीज प्लीज लेट मी नो आपके अगर कोई सजेशंस हैं कि क्या करेक्ट वर्ड होगा इन प्लेस ऑफ एनलाइटेड फॉर दिस आपको उस हर एक चीज़ से प्रॉब्लम होती है सो देन यू बिकम द आउटलायर सम फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोग जब जे में इलेक्शंस लड़ते हैं वहाँ पे जो मोस्टली जो इश्यूज हैं वो ह्यूमन राइट इसराइल पैलेस्टाइन समथिंग वीमेंस राइट्स वटैवर दोज आर नॉट द इशूज़ आप चले जाइए आप इलेक्शन लड़ने चले जाइए मतलब कहीं पे भी असेंबली में लोकसभा में लोगों के कंसर्नज ही अलग है वहाँ पे अलग इश्यूज है तो ये इशू हो जाता है कि आप उसका रेजोनेंस नहीं देखते जैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम है पढ़ा कुछ रहे हैं और हाँ। बाहर काम करने जाइए तो समझ में आता है अरे यार ये तो जो करना है वो तो पढ़ा ही नहीं आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया जी जी बिल्कुल <laughs> तो इट प्रिपेयर अस फॉर आर रूल इन दोसाइटी मतलब जो वामपंथी पॉलिटिक्स है स्पेशली यूनिवर्सिटीज में वो बड़ी ही आप कहिए कि चाच से भरी हुई है कि ऐसा नहीं, नहीं, उसका बहुत भी है। आप अगर देखें जो कंट्रीब्यूशन काट नहीं रहा, रहा हूँ उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है बट यू मिस द पॉइंट वो सब तुम्हें कॉलेज में इसलिए होता है सो देट क्रिटिकल थिंकिंग ये नहीं की जो इश्यूज वहाँ पे तुम्हें बताए गए हैं वही लेके तुम बाहर जाके लोगों को ज्ञान बांट रहे हो यू जस्ट हैव टू डिप अटिकल थिंकिंग दैट क्रिटिकल एटीट्यूड और फिर उसे सोसाइटी में अप्लाई करना होता है ऐसा नहीं है कि जो लेफ्टिस्ट इको सिस्टम में चार बातें रटाई गई हैं चार बातें रटाई गई हैं वही चार बातें बाते जाके तुम बाहर रिपीट कर रहे हो दैट इज नॉट द पॉइंट उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है बट उसका कॉन्ट्रीब्यूशन ये है दैटिकल थिंकिंग नॉट दैट यू जस्ट पैरट आउट ऑल दूसर दैट वर टॉक against you around you. Toh. जि बहुत कटिव और दैट इज वाईजो इन जैसे आपने पॉइंट आउट किया प्रैक्टिस कि, है उसको हम लोग नहीं कर पाते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग हेकलर स्वीटो जो आप पे आ जाता है अगर आप कुछ भी यू नो इस्लाम में अगर आप रिफॉर्म की बात करें तो बहुत डिफिकल्ट है बात करना तो यस आई अंडरस्टैंड दैट इज दिपोक्रेसी और दैट इज द कॉन्ट्रोडिक्शन रई वुड से तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ जब आप आप इस इकोसिस्टम का पार्ट हूँ और आपको लगा कि इस पे मुझे बोलना चाहिए लेकिन इकोसिस्टम ने कहा कि नहीं जी जी इस तरह की एक घटना हुई जहाँ पे दिल्ली में जो है एक लड़का था हिंदू लड़का था उसने एक मुस्लिम लड़की से शादी की थी तो मुस्लिम लड़की की फैमिली ने उसको मार दिया तो अब क्या होता है व्हेन द रिवर्स हैपन्स जब मतलब ऑनर किलिंग दूसरी तरफ होती है हिंदू की होती है दलित की होती है तब तो हम लोग बहुत आउट स्पोकन होते हैं लेकिन अब अगर मुस्लिम फैमिली ने हिंदू लड़के की ऑनर किलिंग कर दी तो हिंदुस्तान तो आज़ाद मुल्क है दे एक्चुअली दोनों एडल्ट थे उनको पूरा फ्रीडम था शादी करने का चाहे वो कन्वर्ट करके करते या स्पेशल मैरिज एक्ट में करते जैसे भी करते तो उस टाइम पे जो है मैंने कुछ उस पर अपनी टिप्पणी दी थी कि ये तो गलत चीज़ है और मतलब आई फेस्ड अ वेरी सीवियर बैकलैश uh, जे एन यू तो नहीं नहीं नॉट फ्रॉम जे एन यू फ्रॉम लाइक माई मुस्लिम सपोर्टर्स कि आप ऐसे कैसे बात कर सकती हैं तो ये एंड द लेफ्ट इज वेरी गुड और वेरी प्रॉम्प्ट एट कैंसलिंग पीपल हु डिसएग्री विद देम दे डोंट इवन वांट टू लिसन टू योर क्वेश्चंस दे डोंट इवन वांट टू एंटरटेन यू इन एनी वे द मोमेंट यू डिसएग्री विद देम दे विल कंप्लीटली कैंसिल यू व्हिच डजंट हैपन इन राइट विंग राइट विंग में